क्या भूल गए या भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने फिर से बीजेपी पर जुबानी हमला बोल दिया। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने वाली है, जिसे लेकर लंबे समय से पार्टी के बीच विचार विमर्श किया जा रहा है, किसे टिकट दिया जाए और आखिरकार किसे टिकट न दिया जाए। साथ ही पार्टी को लेकर सियासी गलियारों में ये भी खबरें सामने आ रही है कि इस वक्त कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कई विधायकों के टिकट काटे जाने पर पार्टी में नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर ही सचिन पायलट ने तस्वीर को साफ किया। क्या कुछ कहते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया, एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। सर, जिस तरीके से शब्दों का यूज किया गया था उस टाइम, भूल गए क्या आगे बढ़ने की कोशिश? सर, मैं समझा नहीं, दोबारा दोबारा पूछो क्या कहना चाह रहे हो। इस तरीके से शब्दों का यूज किया गया था, माने से जब आप गए थे, क्या भूल गए या भूल के? आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो, जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पे कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया, चाहे वो सोने जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो। किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। देखा आपने और सुना भी, सचिन पायलट ने साफ तौर पर ये कहा है कि अशोक गहलोत और वो दोनों एक साथ हैं और विधानसभा चुनाव में दोनों नेता एक साथ ही रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ पायलट ने ये भी कहा कि अब बीजेपी डरी हुई है कि कांग्रेस तो अंतर कलह को पूरी तरह से समाप्त कर चुकी है, ऐसे में कांग्रेस की जीत निश्चित है। इसके साथ सचिन पायलट ने मीडिया पर भी जमकर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों राजस्थान को लेकर सियासी गलियारों में ये खबरें सुनने को मिल रही थी कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही विवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई है। लेकिन आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट फिलहाल तो यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए दोनों नेता एक साथ हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में भी ये प्यार मोहब्बत बरकरार रहेगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।